मानसून की बारिश राजधानी के लिए आफत बन सकती है क्योंकि जयपुर के दोनों निगम क्षेत्रों के नाले मलबे से अटे पड़े हैं। अब तक शहर के 50% नाले भी साफ नहीं हो पाए। वहीं राजधानी की ड्रेनेज व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। पेश है एक खास रिपोर्ट। बारिश में कब राजधानी की सड़कें दरिया बन जाए कुछ कह नहीं सकते। कमोबेश हर बारिश में जयपुर ऐसी स्थिति से दो चार होता है, फिर भी ना तो शहरी सरकार इसका जिम्मा लेती है और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण। हर बार प्रशासन के पास जिम्मेदारी से बचने का नया एक ही जुमला होता है, लेकिन आम आदमी को इन परेशानियों से जूझना पड़ता है। राजधानी जयपुर में हर साल बारिश का पानी आम आदमी के लिए बाधा पैदा करता है। यही वजह है कि हल्की सी बारिश में भी राजधानी जयपुर की जो सड़कें हैं वो दरिया बन जाती है और यातायात जाम की स्थिति होती है। आम आदमी का आवागमन भी बाधित होता है। लेकिन हर साल जहां करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी राजधानी में जो नाला सफाई का कार्य है वो तय समय में नहीं हो पाता, वहीं जो ड्रेनेज सिस्टम है जिसकी जिम्मेदारी जेडीए की है, यानी जयपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि शहर की सड़कों में जो पानी भरता है वो ड्रेनेज के माध्यम से उसकी निकासी हो, लेकिन ना तो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर देखा जा सकता है और जो है वो भी पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। वहीं बरसाती नालों की जो सफाई का समय है वो भी हर बार खत्म हो जाता है, उसके बावजूद भी नालों की सफाई नहीं हो पाती। यही वजह है कि आम आदमी परेशान होता है और हल्की सी बारिश में भी राजधानी जयपुर की जो सड़कें हैं तालाब बनी नजर आती है। कमोबेश ऐसी स्थिति हर साल ही जयपुर शहर में देखने को मिलती है। दरअसल जयपुर शहर के दोनों नगर निगम क्षेत्रों में 1139 के करीब नाले हैं। हेरिटेज निगम के बजाय ग्रेटर निगम क्षेत्र में इनकी संख्या लगभग दो गुनी है। आनन फानन में ग्रेटर में नालों का बजट भी बढ़ाया गया, इसके बावजूद नाला सफाई प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं हो पाई। यही वजह है कि मानसून की बारिश शहर के लिए आफत बन सकती है। अगर बात करें हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र की तो यहाँ 435 छोटे नाले हैं। इनमें अभी तक सिर्फ 75 नालों की ही पूरी तरह से सफाई हो पाई है, यानी अभी तक 18% ही नाले साफ हो पाए हैं। वहीं 261 नालों में सफाई का काम चल रहा है। हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में 100 से अधिक नाले ऐसे हैं जहाँ अभी तक सफाई का काम शुरू भी नहीं हो पाया है, जबकि निगम प्रशासन ने संबंधित ठेकेदार को 25 जून तक नालों की सफाई का टारगेट दे रखा है। बहरहाल शहर के खराब ड्रेनेज सिस्टम और मलबे से अटे बरसाती नालों के कारण हर बार बारिश शहरवासियों के लिए आफत लेकर आती है, फिर भी शहरी सरकार इस पर ध्यान देने के बजाय तर्क देकर इतिश्री कर लेती है। बड़ी बात यह है कि नाला सफाई को लेकर मंत्री से लेकर जिला कलेक्टर तक शहर के दोनों नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं, फिर भी शहरी सरकार के कारिंदे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। ब्यूरो रिपोर्ट, चंद टीवी न्यूज।